नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथिक मेडिसिन रस्टोक्स के बारे में बात करेंगे। रस्टोक्स को बहुत सारी बीमारियों में दिया जाता है, जैसे हेडेक, कफ, पैरालिसिस, डायरिया, फीवर, गठिया बाय का दर्द, कमर दर्द, स्किन डिजीज यानी चर्म रोगों में। दोस्तों, बीमारियों के लक्षण जानने से पहले इस दवाई के लक्षण जानना जरूरी है। आइए जानते हैं क्या होते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम्स, यानी किन लक्षणों के होने पर या किन लक्षणों के कारण रोग पैदा होने पर इस दवाई को दिया जाता है। दोस्तों, इसका पहला गाइडिंग सिम्टम्स ये है कि रोगी को रोग जैसे दर्द, विश्राम यानी आराम के टाइम बढ़ता है। शरीर की हरकत यानी बॉडी मूवमेंट से रोगी को दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि किसी भी दर्द में आराम करने से रिलीफ मिलता है, लेकिन दोस्तों कई रोगियों को ये सिम्टम्स देखने को मिलता है कि आराम के टाइम उनका दर्द बढ़ता है और हरकत करने से घटता है। ऐसे में रस्टोक्स का सिम्टम्स यहाँ देखने को मिलता है। जब रोगी चलता फिरता है तब उसे अंगों में गर्मी आ जाती है, इसलिए उसे आराम पहुंचता है। दोस्तों, इस दवाई का दूसरा मेन सिम्टम्स यानी मुख्य लक्षण यह होता है कि रोगी नमी और ठंड को सहन नहीं कर सकता है। रोगी वायुमंडल के लगातार होने वाले परिवर्तनों को नहीं सहन कर सकता है। थोड़े से बादल आने पर ही रोगी गर्म कपड़े ओढ़ लेता है। थोड़ी सी ही नमी या हवा लगने से रस्टोक्स का दर्द उभर जाता है यानी दर्द बढ़ जाता है। रस्टोक्स के रोगी को ठंड, नमी और बरसात के भीगने से रोग बढ़ता है या रोग होता है। दोस्तों, रस्टोक्स के पेशेंट को बेचैनी बहुत रहती है, वो एक जगह नहीं बैठ सकता है, बार बार अपनी जगह बदलता रहता है, जिससे उसके दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों, रस्टोक्स के पेशेंट को अगर कोई भी कंप्लेंट्स यानी रोग आता है, जैसे बुखार या दर्द, वो रात को आता है या फिर बरसाती मौसम में आता है। रोगी को गर्म मौसम में आराम मिलता है और ठंड लगने पर गर्म कपड़ा ओढ़ने से पेशेंट को आराम मिलता है। रोगी को ठंडे दूध की इच्छा हमेशा लगी रहती है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स यानी पेट के रोग ठीक होते हैं। दोस्तों, रस्टोक्स के पेशेंट को जहां मिठाई बहुत पसंद होती है, वहीं वो मीट और शराब से दूर भागता है। रस्टोक्स के पेशेंट को जो दर्द होता है, वो अचानक उठने से या अचानक बैठने से उसको दर्द होता है। अचानक चलने से घुटने और कमर में उसको दर्द महसूस होगा, लेकिन जैसे ही वो चलता रहेगा उसे आराम मिलेगा। अगर कोई रोगी पसीने की हालत में बारिश से भीग जाए या फिर उसे ठंड लग जाए, तो ऐसे में उसको बहुत सारी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। इसे आम भाषा में सर्द गर्म भी लगना बोलते हैं। ऐसी हालत में बुखार आ जाता है, जुकाम हो सकता है, किसी प्रकार का वात दर्द हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। दोस्तों, रस्टोक्स के अगले सिम्टम्स की बात करें तो बच्चों में सीलन में बैठने से जो पैरालिसिस हो जाता है, उसमें आप रस्टोक्स का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मसल्स के अकड़ जाने से उनमें दर्द से होने वाली बेचैनी और इस दर्द का हरकत से कम होना यानी मूवमेंट से आराम मिलना, कोई वात रोग हो जाना या फिर कमर में दर्द होना, ऐसे में रस्टोक्स बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों, ओवर स्ट्रेन यानी अत्यधिक श्रम से उत्पन्न रोग जैसे मोच, सुनपन आदि में रस्टोक्स दी जाती है। दोस्तों, रस्टोक्स के पेशेंट में अगर पेचिस, निमोनिया, वात रोग, मलेरिया, टाइफाइड हो, तो उसके जीभ पर तिकोनिया लाल रंग का निशान बन जाता है आगे की तरफ। रोगी को किसी भी बीमारी में ऐसा सिम्टम्स आने पर रस्टोक्स दे सकते हैं। दोस्तों, रस्टोक्स के अगर चर्म रोग यानी स्किन डिजीज की बात करें तो ये खुजली, अर्टिकेरिया यानी पित्त का उछलना, हर्पिस जोस्टर और रिंगवॉर्म में भी दी जाती है। रिंगवॉर्म फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसे आम भाषा में दाद कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि इन स्किन डिजीज में रस्टोक्स के क्या सिम्टम्स होते हैं। चर्म रोग में रोगी को सारे शरीर पर खुजली होती है,
बाल वाले हिस्सों में विशेष रूप से खुजली होती है। फुंसियाँ, छाले, एक्जिमा पर मोटी पपड़ी का जम जाना, उसमें से बदबूदार पानी निकलना, इनमें से बेचैनी के लक्षण साथ हो, रोगी हरकत करता हो, ठंड से घबराए तो इस औषधि से अवश्य लाभ मिलेगा। रोगी को अर्टिकेरिया यानी पित्त का उछलना, हर्पिस जोस्टर में अगर बेचैनी हो तो यह दवाई दे सकते हैं। दोस्तों, रोगी को अगर फीवर के दौरान मुंह के आसपास छाले पड़ जाएं, जिन्हें फीवर ब्लिस्टर्स बोलते हैं, ऐसे में रस्टोक्स दी जाए तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। दोस्तों, रोगी को फीवर में पतले दस्त आने लगते हैं, कभी कभी खूनी दस्त आते हैं, रोगी को हल्की बेहोशी छाई रहती है, रोगी बेचैन रहता है, शांत होकर बिस्तर पर लेट नहीं सकता, ऐसे लक्षण किसी भी फीवर में हो तो तुरंत देने से रस्टोक्स से आराम मिलेगा। दोस्तों, मलेरिया फीवर में रस्टोक्स के पेशेंट को टांग से ठंड लगनी शुरू होती है, कभी कभी पेशेंट को कंधों के बीच ठंड लगनी शुरू होती है। ठंड लगने के बाद गर्मी की हालत में सारे शरीर पर पित्त उछलने लगता है, शरीर में खुजली होती है और उसके बाद पसीने की अवस्था आने पर पित्त चला जाता है। इस फीवर में होठों पर छोटे छोटे दाने उभर जाते हैं, जिनका हमने पहले भी जिक्र किया है कि बुखार में भी हरकत करता रहता है, क्योंकि ऐसा करने से उसको आराम मिलता है। दोस्तों, रस्टोक्स या होम्योपैथी की किसी भी मेडिसिन का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, यानी दवाई खुद से नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सलाह ले सकते हैं।